ये क्या आप लोगों को पता है ये क्या है? सपना है अपना क्या है? ये देखो कितना सारा बन गया है। वापस आने के बाद मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। हम लोग आते आते 12:30 हो गया और रास्ते में ठंडा हवा की वजह से मुझे नींद आ रही थी, तो मैं पूरा थक गया था और घर आके सो गया। अभी भी देख सकते हैं मुझे बहुत जुखाम हो गया है। ठीक है, अभी हो रहा है रात। अभी देखते हैं हम लोग मम्मी के साथ में क्या करेंगे। मुझे लगता है हम लोग क्रिसमस के लिए रोटी वोटी बनाएंगे। ठीक है, थोड़ी देर में मैं दिखाता हूँ कि हम लोग क्या रोटी बनाते हैं क्रिसमस के लिए। ये रही मेरी मम्मी। हाय कर दो। हाय। मम्मी को बोला था कि मैं घर नहीं आऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी मम्मी बहुत खुश है मेरे घर आने से। क्रिसमस में पूरा फैमिली साथ रहने से अच्छा रहता है। फैमिली को भी खुशी होती है, हमें भी खुशी होती है कि मतलब अगर हम लोग बाहर रहते हैं तो साल में एक बार पूरा फैमिली साथ में रहने का मौका मिलता है। क्रिसमस एक के ऐसा हम लोग का फेस्टिवल है जिसमें हम लोग पूरा परिवार एक यूनाइट होते हैं और मिल के ये फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं। आप सब भी होप अपने अपने फैमिली के साथ रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कि हम लोग आगे जो हम लोग का रोटी वोटी बनाएंगे, पीठा जिसको बोलते हैं। ठीक है, देखते रहिए। हम लोग ये लकड़ी चूल्हे में बनाएंगे इस पर। और ये हम लोग का गुड़ आ चुका है। मुझे लगता है कि हम लोग गुड़ रोटी बनाने वाले हैं। ये गया गुड़ पानी में। पानी है ना माँ? फाइनली हम लोग का सारा गुड़ आ गया है पानी में। ये अभी हम लोग वेट करेंगे मेल्ट होने का ना माँ, पिघलने का वेट करेंगे ना। देखते रहो कैसे बनाते हैं। आप लोगों के साथ साथ मैं भी सीखूंगा कैसे बनाते हैं। ये मिक्स हो रहा है मेल्ट होने के लिए। धीरे धीरे गुड़ मेल्ट हो रहा है, काफ़ी मेल्ट हो गया है। अभी फिर से मेल्ट होना बाकी है। और थोड़ा मेल्ट होने देते हैं। अभी लग रहा है अच्छे से मेल्ट हो रहा है, पूरा ऊपर तक आ गया है। इसको ऐसे मिलाते रहना पड़ता है बार बार। ये ये गुड़ के बाद ये गुड़ रोटी में ये बादाम डाला जाएगा ताकि टेस्ट बढ़िया आता है बादाम मिक्स रहने से। तो हम आगे दिखाएंगे कैसे बादाम मिलाते हैं, कैसे बनाते हैं, टेस्ट करके भी बताएंगे। ठीक है, बने रहो। हो गया। हाँ, इसमें करो बोले जाता का हो गया। ये चेक करने का प्रोसेस है, अगर हम लोग डालेंगे उसको और वो अगर उसमें बैठ जाता है तो समझ लेना कि ये गुड़ का हो गया, मिक्सिंग हो गया, पूरा मेल्ट हो गया। और अगर वो फैल जाएगा तो समझ जाना कि नहीं हुआ है। और इसमें जा रहा है अभी ये व्हीट फ्लोर, सॉरी राइस फ्लोर। इसको हम लोग अरवा चावल से जो पीस के बनाते हैं ना, वो ये है। ये आ गया हम लोग का राइस फ्लोर। इसमें अभी मिक्सिंग होगा।
को ऐसे मिलाते रहना पड़ता है। अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको मिक्सिंग करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। इतना इजी तो नहीं लग रहा है मिक्स करना, और अच्छे से मिक्स नहीं करने से अच्छे से नहीं बनेगा ना मैं। इसको अच्छे से मिक्स करना पड़ता है। कितना सारा डाला गया, पहले बहुत ज़्यादा था, अभी बहुत कम हो गया है। मतलब इस छोटे से जगह पे कितना सारा राइस फ्लोर जा रहा है। देखा उसको, फेस नहीं है, फेस रहता तो अच्छा। ये क्या आप लोगों को पता है ये क्या है? मुझे तो नहीं पता ये क्या है। इसको सेम भी बोलते हैं, ऐसा मुझे अभी पता चला, बीन्स। और इसको खाते भी हैं, मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया। आप लोग अगर खाए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये ऐसा कटिंग हो रहा है, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। क्या सेम्बी बोलते हैं? मैं नहीं पता नहीं। सेम्बी वैसे ही टेस्ट वैसे ही लगता है, वैसे ही है। पत्ता भी, पेड़ भी वैसे ही है, उसका फल ऐसे है खाली। मेथी को देखते हैं, बीन्स, बीन्स बोलते हैं सेमी को। बहुत ज़्यादा ठीक हो गया है अभी उसमें, और इसमें अभी बादाम डाला जा रहा है। मूंगफली, मूंगफली हाँ, बादाम सिंगा काटा सारे अपने के ना लगनी बार बार का पाकना पूरा पैन पैन का बंद कटो। ए तो ने हां ठीक है ना, खोंडा बेटे ठीक है। एने का गी दो भाई ताबू लेंगे सब ना अब तक क्या है वो बच्चा को पे। अबा हो गया ना, हो गया कि अभी इसको बनाएंगे। ये हम लोग तो रेडी हो गया है, इधर कढ़ाई भी लग गया है, तेल भी डाल दिया है, रिफाइंड तेल लगे। अब इसमें हम लोग फ्राई करेंगे। अटो काटी लो लो वामन, और थोड़ा गर्म होना है। इतना सारा है बनने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ये अपने आप ऊपर आ गया, इसको ऐसे पलट देना है जो पहला वाला चल गया। नोट डालेंगे यहाँ, क्या तो अभी मेरा हाथ बिजी हो जाएगा, दोनों हाथ, जैसे कि मैं अभी छान रहा हूँ। तो एंड में दिखाता हूँ कैसा बना है। खत्म होने को आ गया, और कुछ ही बनेगा। ऐसे करने के लिए भी ऑयल चाहिए होता है, हाथ में थोड़ा ऑयल लगाना पड़ता है।
ये हम लोग का खत्म हो गया, ये थोड़ा सा बाकी है, अब देखते हैं कितना बना टोटल में। ये देखो कितना सारा बन गया है, ये बड़ा सा ऑलमोस्ट फुल होने को आ गया है, अच्छा दिख रहा है, खा के देखते हैं। खाने में भी बढ़िया है, गरम गरम ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, दो तीन घंटे के बाद फाइनली ख़त्म हो गया है, अभी 10 बज के क्रॉस हो चुका है, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसलिए आप सबको हम लोग का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। अभी हम डिनर के बाद सो जाएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।